गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज जो हमारा टॉपिक है, सबसे पहले स्लाइडिंग एंड रोलिंग सरफेस। क्लियर? तो सबसे पहले स्लाइडिंग क्या होता है ये आप जानिए। स्लाइडिंग में क्या होता है, जो फ्लैट सरफेस होता है, ठीक है, तो इसका एक साइड फ्लैट, बोथ साइड फ्लैट सरफेस होता है। अगर आप इसे आप स्लाइड करेंगे, यहाँ से अगर आप इसको ऊपर से आप नीचे की ओर, तो वो एक ही प्लेन में, ठीक है, एबल टू मूव स्मूथली अलोंग द सरफेस, यहाँ पे आके रुक जाएगा। और रोलिंग में क्या होता है, जैसे ये बॉल है, क्लियर, अगर आप यहाँ पे स्लैंटिंग सरफेस है और यहाँ पे अगर आप बॉल रखते हैं तो क्या होगा, ये जो बॉल है मूविंग है ना, बाय टर्निंग ओवर एंड ओवर एंड ओवर, वो क्या होगा, बॉल ऐसे राउंड होते हुए नीचे जाकर रुकेगा। क्लियर? तो यही अंतर है, आप अगर ऊपर से फ्लैट सरफेस को डालेंगे वो भी नीचे जाएगा वो, लेकिन टर्न नहीं होगा, मूव नहीं होगा, रोल नहीं होगा। बट अगर आप बॉल को डालते हैं तो वो बार बार क्या होगा, रोल होते हुए वो नीचे पहुंचेगा। बस यही आपका डिफरेंस है बिटवीन स्लाइडिंग एंड रोलिंग। क्लियर? एक एग्जांपल है, मैं आपको यहाँ पे समझाती हूँ तो क्लियर हो जाएगा। देखिए, मैंने एक टेम्प्रेरी ना फिसल पट्टी बनाया हुआ है, क्लियर। आप लोग जब पार्क में जाते हैं तो होता है ना, पीछे से आप सीढ़ी पे चढ़ते हैं और उसके बाद सामने स्लाइडर जैसा बना होता है और आप लोग उसमें बैठ के स्लाइड करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, ये क्या है, मैंने एक डिब्बी लेके रखा हुआ है, ठीक है, ये छोटा सा डिबिया है और ये देखिए इसका ये फ्लैट सरफेस है, ठीक है। अगर मैं फ्लैट सरफेस को यहाँ से मूव करूँगी तो वो देखो सीधे क्या हुआ है, स्मूथली नीचे चला गया है, ये इस तरीके से रोल होते हुए नहीं गया। क्लियर? देखिए एक बार फिर से, ये फ्लैट सरफेस है, देखिए पूरा नीचे तक स्मूथली स्लाइड किया, ठीक है। ये देखिए एक कॉइन है, क्लियर, मैं ये कॉइन को भी यहाँ पे रखती हूँ, कॉइन का भी देखिए बोथ द साइड्स है ना हैविंग फ्लैट सरफेस। अब आप इसे भी स्लाइड करेंगे तो ये देखिए, ये बिना रोल हुए नीचे स्मूथली क्या हुआ, नीचे आ गया। ये देखिए मोबाइल, मोबाइल भी फ्लैट सरफेस है, अगर इसे भी मैं ऊपर से नीचे भेजती हूँ तो ये भी स्लाइड करेगा बट विदाउट रोलिंग। यहाँ पे देखिए एक मेरे पास फ्लैट सरफेस एक और है एग्जाम्पल, ये देखिए ये भी फ्लैट है तो ये बिना रोल किए नीचे आके रुक गया। देखिए ये स्केच पेन है ना, तो स्केच पेन को देखिए मैं ऊपर से डाल रही हूँ, ये देखिए ये क्या हुआ, ये पूरा रोल होते हुए गया। ये एक बॉटल है, ठीक है, इसे भी मैंने देखो यहाँ पे ऊपर रख दिया। अब ये देखो, ये यहाँ से देखिए आप क्लियर दिख रहा है कि ये पूरा उसका बॉडी जो है वो रोल हो रहा है, ठीक है। तो ये देखो पूरा रोल होते हुए गए, क्यों, क्योंकि ये पूरा राउंड शेप में है। क्लियर? ये देखिए वन मोर एग्जांपल, टोमेटो, ये पूरा राउंड है ना, बॉल जैसा, ठीक है। अगर इसे मैं डाल रही हूँ यहाँ पे रख रही हूँ तो ये देखो ये भी पूरा रोल होते हुए नीचे गया, ठीक है, टर्निंग ओवर एंड ओवर, ठीक है। एक एग्जाम्पल है, देखिए बॉल, बॉल को अगर मैंने किक किया तो ये देखिए ये रोल होते हुए गया है ना, क्योंकि उसका जो शेप है वो पूरा राउंड है। क्लियर हो गया आपको रोलिंग एंड स्लाइडिंग।